सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आई होप आप सब अच्छा होगे और मैं भी फिट एंड फाइन अच्छा हूँ, एकदम फिट हूँ। ओके, तो दो दिन की गैप के बाद हम आ जाए हैं हमारे ग्राउंड पे। दो चार बातें आज मैं शेयर करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। दो दिन हम क्यों नहीं आए वो भी बताई देता हूँ। दो दिन से हमारे इधर काफी भयंकर वाली बारिश हो रही थी। बारिश में निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई काफी लोगों को टॉयलेट का प्रॉब्लम रहता है। वो करना कुछ ऐसा है, आपको उठते ही आपको एक गिलास पानी पी जाना है एंड थोड़ा बहुत चल लेना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको आराम से टॉयलेट आ ही जाने वाली है। उसके बाद भी आपको घर से निकलते वक्त भी थोड़ा सा पानी पी के आना है। ज्यादा पानी पी के आओगे तो फिर पेट में प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे यार दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई है तो आज तो बाल कटाना ही पड़ेगा, कटा लेंगे आज। फिर अभी टी शर्ट को निकाल लेता हूँ वरना टी शर्ट गंदी होने ही वाली है यार। सो भैया बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपन आज की वर्कआउट। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। स्ट्रेचिंग हो चुकी है कंप्लीट एंड देन अभी स्टार्ट करेंगे हम पुशअप। आज हम पुशअप चैलेंज करेंगे कि एक साथ में कितने पुशअप कर सकते हैं। हम नॉर्मल पुशअप, डायमंड पुशअप एंड वाइड एंगल वाली पुशअप करेंगे कि हम कितने कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहना। फाइनली जिस दिन का हमको इंतजार था वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई। स्ट्रेचिंग कितनी पुशअप कर सकते, काउंट करते रहना एंड कमेंट में बता दो कितनी कर सकूंगा। मुझे लगता है मैं रेड के करीब तो कर ही दूंगा। मैं कर सकता हूँ 40, तो फिर मैं 40-40 के तीन सेट लगा लूँगा एंड फिर करेंगे हम डायमंड पुशअप एंड वाइड। सो बेसिकली हमें करना क्या था कि हमें पहले लगानी थी डायमंड पुशअप, फिर करनी थी ये नॉर्मल वाली पुशअप, पर मैंने गलती कर बैठी क्योंकि डायमंड पुशअप सबसे हार्ड मुझे लगता है। मुझे स्टेप 20 हुई, पर 20-20 की मैं ये तीन सेट कंप्लीट कर लेता हूँ एंड टेन फिर करेंगे हम बाइक। स्टार्ट इन प्रूव। बीस तो कंप्लीट कर ही ली। हाँ, सो फाइनली हमने पुशअप चैलेंज कंप्लीट कर लिया और देख सकते हैं सूरज उगाया है एंड थोड़े बहुत और वर्कआउट बाकी है वो इसी वाले अपने। Okay.
तो फाइनली भैया वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट एंड मैंने टी शर्ट पहले ही पहन ली और हम जाएंगे अभी जाएंगे ऊपर टंकी पे। ऊपर से काफी अच्छा व्यू आता है तो आपको दिखाऊंगा। चलो 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 कचरे में ना यार की मजे ही कुछ अलग है, मतलब फीलिंग जो आती है ना आया है क्या ही, मतलब देखो इतना ऊंचा है। चलते तो जाऊंगा यार, डेली का है अपना, कुछ नहीं है ऐसा। खतरनाक। सो फाइनली ऊपर आ ही गई, देखो व्यू की देखो व्यू काफी खतरनाक दिखता है इधर से। हम मतलब डेली यार इधर आते रहते हैं तो इधर अभी चलने की प्रैक्टिस हो गई। वैसे ऐसा कुछ ऊंचा लगता नहीं है, डर तो लगता है यार। देखो व्यू काफी अच्छा है, अभी विंटर्स में इधर से काफी अच्छा नजर आएगा। अंदर पानी है, वाह यार कसम से क्या ही व्यू आ रहा है। देखो उधर से सनराइज होता है एंड इधर पे सनसेट, मतलब चारों तरफ यार पहाड़ और जंगल, पहाड़ और जंगल। वाह ऐसी होती है लाइफ, मतलब शहरों में तो क्या ही बोलोगी, इसलिए मुझे शहर में रहना पसंद ही नहीं है, अपना गांव इज द बेस्ट। वो देखो वहाँ पे एक अंकल खाद डाल रहे हैं अपने खेतों में। अंकल जी हेलो बोल दे, हेलो। खतरनाक व्यू यार, घर पे जाने के मन ही नहीं हो रहा। चलो भैया तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अच्छे से नए ट्रैवल व्लॉग के साथ, अभी ट्रैवल व्लॉग आएगा, ठीक है।